नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक पर मानसिक दबाव, बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय, प्रचार और शिक्षक की मनमानी। संबंधितों के बच्चों के रिजल्ट में अंक बढ़ाए, माही प्रदीप अगाल स्कूल नहीं आने पर भी स्कूल में हुए टॉपर। शोभाराम रावत मानसिक रूप से हैं प्रताड़ित। जी हाँ, प्राचार्य राजेंद्र राठौर की मनमानी के खिलाफ बच्चों ने दिया धरना। रिजल्ट में हेराफेरी कर अपने मिलने वाले बच्चों के अंक बढ़ाए, इस अन्याय के खिलाफ NSUI जिला महामंत्री चंदन सिंह बरनाल, ब्लॉक अध्यक्ष बाग सूरज, मंत्री गहलोत सहित कई स्कूल के अंदर धरना प्रदर्शन में शिक्षक के साथ कई बच्चे हुए शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि धार जिले के बाग में CM राइस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहा अन्याय। परीक्षा में अंकों की हेराफेरी कर शिक्षक बना रहे थे दबाव। बाग विकास खंड में CM राइस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक शिक्षक को आवाज़ उठाना भारी पड़ गया। जब राजनैतिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, मुझे दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं शिक्षक ने स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र राठौर, अशोक कुमार शर्मा, जालिम सिंह गहलोत द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित, साथ ही एक माही प्रदीप अगाल द्वारा मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बार बार मुझे फ़ोन लगाकर मुझसे कहते हैं धार भी बात कर लूँगा और प्रचार और SP से भी बात कर लूँगा, ऐसा कहना है शिक्षक का। प्रदीप अगाल ऐसा कह रहा है और ये सभी अपने परिचित लोगों के बच्चों के नंबर बढ़ाते हैं, जिसका विरोध मुझे करना भारी पड़ गया है। CM राइस स्कूल बाग में पदस्थ शोभाराम रावत ने आज बच्चों से चर्चा करते हुए रोने लग गए। रोते रोते बोल रहे थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, आगे से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा परेशान और दबाव बनाया जा रहा है। परीक्षा में नंबर कम आने पर विद्यार्थी गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए उनके साथ गलत हो रहा है, जबकि CM राइस बाग के प्राचार्य राजेंद्र राठौर द्वारा परीक्षा को मजाक बना रखा है और चेहरे देखकर अपने परिचितों के संस्था में प्रथम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरी जानकारी में प्राचार्य एवं अन्य दो शिक्षकों की मिलीभगत से अपने परिचितों में से 3 छात्रों के वर्ष 2022-2023 की कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में लाने के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा कॉपी में वास्तविक प्राप्तांक से अधिक 20 से 25 अंक मनमाफिक बढ़ा दिए थे। एक छात्रा के नंबर कम किए थे। प्राचार्य कैसे छात्रों के साथ न्याय करेगा? अब इन छात्रों ने शिक्षक का समर्थन करते हुए स्कूल प्रांगण में धरना देकर जमकर नारेबाजी की है। सर, यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। यहाँ समस्त बच्चे जो रेगुलर आते हैं उनको पीछे किया जा रहा है और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके अंक बढ़ाए जा रहे हैं। उनके साथ, इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैंने ये आवाज उठाई। लेकिन मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। ये प्राचार्य राजेंद्र सिंह राठौर, अशोक कुमार शर्मा और एक जालम सिंह गहलोत, इन्होंने अपने बच्चों के नंबर बढ़ाए और एक माही प्रदीप अगाल, वो आज दिनांक तक स्कूल नहीं आई है, उसके भी अंक टाप लाए गए। मेरे ऊपर वो दबाव बनाए जा रहे हैं, फोन लगा रहे कि बोले हम, मैंने परीक्षा में आने के लिए उनको फोन लगाया, बोलता है कि राहुल साहब तुम किनसे बात कर रहे हो? बोले फालतू बात मत करो, बोले मैं प्राचार्य से बात कर लूंगा और इसी साहब से बात कर लूंगा, बोले इस प्रकार से बोलते हैं। प्रदीप अगाल दबाव ये राजेंद्र सिंह राठौर बना रहा है, अशोक कुमार शर्मा बना रहा है, ये लोग इनके बच्चों के अंक बढ़ाए हैं। मैंने यहाँ पे जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस बात को लेकर मैंने आवाज उठाई तो मुझे परेशान किया है, किया जा रहा, बार बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं कि इनका कार्य व्यवहार ठीक नहीं है। बोले तो मैं किस प्रकार से कार्य करूं? ये राजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा और दो बार SC साहब के द्वारा मुझे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इनको मैंने शिकायत की कि भाई साहब आप यहाँ के देखिए, जांच कीजिए, जो अन्याय हो रहा वो गलत है। लेकिन वो आज दिनांक तक नहीं आए SC साहब और आज मुझे फोन पे ये कह रहे हैं कि बोले तुम वहां क्या कर रहे हो? बोले इस प्रकार से मुझे डराया जा रहा है, मैं रात भर परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती मुझे। किस प्रकार से मैं क्या करूँ? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सर, मैं शिक्षा मंत्री राठौर, अशोक कुमार शर्मा, इनके ना हो यहाँ पे मेरे सामने, मेरे को परेशान किए जा रहे हैं ये लोग, मैं क्या करूँ? आप निरस्त रहिए, मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूँ और मेरे सभी छोटे भाई छोटी बहनों के साथ मैं सदा खड़ा रहूंगा। और मैं भाजपा के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से मैं अपील करना चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी यहां के प्रिंसिपल महोदय पे कार्रवाई की जाए, वो जो शिक्षित इनके साथ है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी के भविष्य को बर्बाद मत की जाए।
ताना चाहे।